हर महीने का पैसा, हर महीने तुम्हारा आदमी लेके गया पैसे, इससे पूछ लो, बता दे। नहीं नहीं, घर का पैसा नहीं मिला। अच्छा, तो ये अपने आदमी से पूछो ना, अगर नहीं देते थे तो ये काम कैसे करने दे रहे थे। आप कपड़े पैक कर, चल निकल फटाफट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 57 एरिया के एक मकान में 13 साल की नाबालिग मेड को बंधक बनाकर कुत्ते से कटवाया जाता था। मकान मालिक उसे लोहे की रॉड व हथौड़े से मारती थी, जबकि उसके दो बेटे नाबालिग के कपड़े उतरवाकर न्यूड वीडियो बनाते और बेड टच करते थे। मासूम को वो हर दर्द दिया गया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। 48 घंटे में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता और मुंह पर टेप लगाकर रखी जाती थी ताकि वो शोर करे तो बाहर आवाज ना आए। मासूम के हाथों पर तेजाब डालते थे। गुरुग्राम के अमीर रईजादों ने गरीब बच्ची को हर सेकंड इतना टॉर्चर किया जिसे सुनकर आपके आंसू निकल आएंगे। बाल मजदूरी क्राइम है, मगर पढ़े लिखे अमीर लोग अपने बड़े रुतबे के चलते इस कानून को भुला बैठते हैं और फिर किसी ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे बैठते हैं जिसे सुनकर पूरा शहर सिहर उठता है। 13 साल की बच्ची पिछले 6 महीने से सेक्टर 57 के घर में मेड का काम करती थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 महीने से बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद बच्ची की माँ ने अपने मालिक की मदद से अपनी बेटी का रेस्क्यू करवाया। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 महीने से अपनी बेटी से नहीं मिले हैं और न ही महिला मालकिन उनकी बेटी से फोन पर बात नहीं करवाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि बच्ची को 4 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई। इस बात की जानकारी बच्ची की मां ने अपने मालिक को दी जो कि एयरफोर्स में कार्यरत है, तो उन्होंने बच्ची की मां के साथ जाकर बच्ची को रेस्क्यू करवाया। बच्चे काम कर रहा था सिक्योरिटी में, 4 महीने से बोल देख बात नहीं करने दिया, मोबाइल से बात कराता था, कुछ नहीं कराता था। जो मैं मेरे पत्नी काम कर रहा था वो मैडम लेके आया सब। क्या कहते, कैसे डराते थे बच्चे को? बच्चे को डराता था, मारपीट करता था। मेरा भी हमको भी धमकाया, तू आएगा तो तुमको भी मार दूंगा। मैं डर से मारे नहीं आ जाता था। कितनी उम्र है आपकी बच्ची? 13 साल है। कब से काम कर रही थी? चौथे अभी 6 महीना हो गया। उसकी सैलरी दी थी उन्होंने? 2 महीने के दिए थे। 4 महीने सैलरी नहीं दी? नहीं दी। धमका रहा। कैसी बच्ची? बुरा हाल है। आपने 4 महीने से मुलाकात नहीं, पुलिस ने शिकायत दी थी? नहीं दी थी, दी मेरे को तो धमका रहा था, मैं नहीं दे पाया। तो मेरा कोई नहीं था सहारा। अब इनका पास वो भी कितने कहे सुने से नंबर लिए, तब इनसे बात हुआ तो बुलाया दीदी ने। बच्चे की तबीयत कैसी है? खा पी नहीं रहा है ना। तो आपने इससे पहले कहीं और से कह दी थी पुलिस के अलावा कि बच्ची को नहीं दिया जा रहा? नहीं जी, नहीं। शुरुआती 2 महीने तक सैलरी टाइम पर परिवार वालों को भेज दी जाती थी, लेकिन 4 महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई। जब परिवार वालों ने बच्ची को रेस्क्यू किया तो पता चला कि आरोपी नाबालिग के साथ लोहे की रॉड से मारपीट किया करते थे, खाना समय पर नहीं देते थे और अश्लील हरकत भी करते थे। पीड़ित की माने तो आरोपी परिवार उससे घर का सारा काम करवाते थे, फिर चाहे रसोई घर में खाना बनाना और बर्तन मांजना हो या फिर डॉगी का ख्याल रखना। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला अपने बेटों के साथ मिलकर बच्ची से मारपीट करते थे, यहाँ तक कि हथौड़े और लोहे रॉड से भी कई बार मारा गया और ये धमकी दी गई कि किसी को बताया तो कोठे पर भेज दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके 2 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब देखना होगा कि इस मासूम को कब तक इंसाफ मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी TV के लिए योगेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।